हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम निधि है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा कोर्स जिसका मैं जानती हूँ आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस कोर्स का नाम है स्पोकन इंग्लिश। अब मैंने जब पहली बार ये नाम सुना तो मेरे मन में तो यही सवाल आया कि ये स्पोकन इंग्लिश क्या होता है। हाँ, इंग्लिश भाषा है ये तो मैं भी जानती थी, लेकिन अब ये स्पोकन अलग से हो गई। तो फर्क ये है दोस्तों कि जब हम स्पोकन और रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पोकन वो इंग्लिश होती है जिसमें हम बात करते हैं, यानी कि बोलते हैं, और रिटन वो इंग्लिश होती है जिसको हम लिखते हैं। तो फिर ये फर्क क्यों? भाषा तो एक ही होती है। फर्क इसीलिए है क्योंकि जो आप लिखेंगे वो शायद आप बोलना पसंद ना करें। जैसे कि अगर आपको किसी से उनकी तबीयत पूछनी है या हालचाल पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाय, हाउ आर यू। लेकिन अगर आप उनके पास जाएं और आप उनसे पूछें आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, तो हो सकता है वो चक्कर खा के गिर जाए, क्योंकि ये भाषा किसी को समझ थोड़ी ना आएगी, ये तो लेटर में लिखने वाली भाषा है। इसीलिए स्पोकन और रिटन इंग्लिश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होती है। पर आज मैं आपसे सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात करूंगी, तो मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश उस इंग्लिश को कहते हैं जो पूरी दुनिया में बोली जाए, ऐसी इंग्लिश जिसमें पूरी दुनिया बात करे। आप ये तो जानते ही हैं कि इंग्लिश हर देश में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, लेकिन जब मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करती हूँ तो वो इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ बोली जाती है और हर जगह एक ही तरीके से बोली जाती है, और ये ऑफकोर्स रिटन इंग्लिश से काफ़ी काफ़ी अलग है। अब जब कोर्स की बात कर ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि ये कोर्स ले कौन सकता है, क्योंकि इंग्लिश में तो सबका लेवल अलग अलग होता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो इंग्लिश समझ जाते हैं लेकिन बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्लुएंसी जैसी चीज़ों पर मैं आपके साथ वर्क करूँगी। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसकी पूरी पूरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से है, इंग्लिश समझते हैं लेकिन ये जो ग्रामर है ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ग्रामर के हर कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझाने आई हूँ मैं। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन अब अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप अपनी फ्लुएंसी पे वर्क करना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है और मेरे साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी है, और देखते ही देखते आप इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन इंग्लिश सीखने में आप सीखेंगे क्या, ये भी तो जानना ज़रूरी है। इंग्लिश में आप सबसे पहली चीज़ तो ये सीखेंगे कि आसानी से इंग्लिश में कैसे बात की जाए। इंग्लिश आप बोलते हैं, मैं जानती हूँ, शायद थोड़ी बहुत बोलते हैं, शायद काफ़ी बोलते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पहले हिंदी में सोचना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और फिर इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश में थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर मैं वर्क करने आई हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश में सिर्फ बोलना नहीं, लिखना, पढ़ना, सुनना भी तो आना चाहिए, तो वो भी सिखाने आई हूँ। टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास नहीं है ये, लेकिन आपके रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पेपर पढ़ सके, आप इंग्लिश पिक्चरें अच्छे से देख सके विदाउट सबटाइटल, इसलिए लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं आपकी मदद करूंगी। और तो और सबसे बड़ी चीज़, याद है आपको जब आप आपके दोस्तों के साथ बाहर गए थे और बिल आया था, आपने बिल दे दिया और फिर आपने पूछा रिसिप्ट मिलेगा क्या, बोलना था रिसीट, बोल दिए रिसिप्ट, अब है तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग। तो ये सिचुएशन दोबारा ना आए इसकी मदद भी मैं ही आपको करूंगी। तो इंग्लिश में जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, तो सारे वर्ड्स का सही प्रोनंसिएशन मैं आपको सिखाऊंगी। उसके अलावा आपसे जो मैंने ग्रामर की बात की थी वो भी प्रॉमिस मैं आपसे पूरा करूंगी,
पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर जो आपको चाहिए बात करने के लिए, उसको लॉजिकली समझाऊंगी, रूल्स में डुबाऊंगी नहीं। रूल्स पता होने चाहिए हाँ, लेकिन अगर लॉजिक आ गया तो रूल्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और तो और, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, जैसे कि आपको बात करने के लिए ज़रूरत है, शायद आप कहीं पे स्पीच देना चाहते हैं, स्टेज पे जाना चाहते हैं, कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब जो चाहिए, या फिर किसी से मिलने जाते हैं, शायद आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो इंग्लिश की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और तो और, किसी से फ़ोन पे बात करनी, किसी से मिल के बात करना, बिजनेस के लिए बात करना, किस तरीके से बात करना चाहिए, ये सब कुछ इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको रोज़ ये वीडियोस देखने हैं और धीरे धीरे आपको मेरे साथ इंग्लिश सीखनी है। और जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो ज़रा ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, फ़र्क देख रहे हैं ना बिफोर और आफ्टर का। पहले शायद आप भी सर पकड़ के बैठे थे इंग्लिश के नाम से, और बाद में बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे आप। जैसे ये लड़का कॉन्फिडेंस में है ना, वो कॉन्फिडेंस देने की गारंटी मेरी। एक बार अगर आपको इंग्लिश का लॉजिक समझ आ गया तो ये भाषा हिंदी जैसी ही लगेगी। हो सकता है हिंदी से सिंपल भी लगे आपको, और क्या पता आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना पसंद करें। तो ये सारी चीज़ें तो इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी, और आपसे जल्दी ही मिलने वाली हूँ अगले टॉपिक्स लेके। सबसे पहला टॉपिक जो आज के बाद लूंगी वो होगा कि छोटी छोटी सिंपल सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे समझनी और बोलनी है। तो आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।